So, दोस्तों thoroughly we have learned commutativity and associativity of rational numbers. Means commutative means if we are having two rational number like a upon b and c upon d, so we can write in this way also, and there will be no effect on the answer as well as solution, right? इनका हम जो भी करेंगे वो last में LHS equal to RHS means left hand side equal to right hand side आएगा ही, ठीक है? सिमिलरली हमने एसोसिएटिविटी पढ़ी. इफ वी आर हैविंग थ्री रैशनल नंबर एंड द पोजिशन ऑफ द ब्रैकेट इज लाइक दिस इन दिस एक्सप्रेशन, इफ वी चेंज द पोजिशन ऑफ द ब्रैकेट देन ऑल्सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द आंसर. मीन्स यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड आंसर विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड आंसर. सो दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टू प्रॉपर्टीज. मीन्स वी नीड टू यूज दिस प्रॉपर्टीज इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज यूजिंग कम्यूटेटिव property and associative property of rational expressions each of the following have following as rational. Means question में all numbers are rational numbers. हमें ये property को use करते हुए solve करना है. 3 upon 5 plus minus 7 upon 6 plus 2 upon 5 plus minus 5 upon 6. First we will see the question carefully and then we observe that there are two kind of denominators. Means some have 5 as a denominator and some has 6 as a denominator. हमें अगर ये property नहीं भी मालूम है तब भी हमें click होना चाहिए कि अगर same denominator होंगे then the LCM will be easy. Like if we are having same denominator, so what we do? हम एलसीएम क्या ले लेते हैं 5, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम विल बी द सेम. एंड देन व्हाट वी डू, सिंपल न्यूमरेटर को एज इट इज कॉपी कर देते हैं तो हमारे सॉल्यूशन जो है वो बहुत इजी हो जाता है, राइट? ये हम नॉर्मली करते हैं. सो हियर आल्सो वी विल डू द सेम थिंग, विल कलेक्ट द सेम डिनोमिनेटर टर्म सो दैट एलसीएम विल बी इजी एंड सॉल्यूशन जो है वो इजी हो जाएगा. दिस टर्म इज हैविंग डिनोमिनेटर 5 and this term is also having denominator 5. So we will collect these two term. So which kind of property it is? It is commutative, means humne property ko collect kar liya, right? Now and position bracket ki hamari ye and ye wali jo hai inko humne collect kar liya. Similarly these two term will collect here. Means LCM क्या होगा इनका 6 होगा. Now the LCM is 5, numerator as it is plus here also the LCM is 6 minus 7 plus minus is minus 5, right? Now this is 5 upon 5 plus यहां पर क्या हो जाएगा minus 12 upon 6. इसको हम यहां कंटिन्यू करते हैं. 5 अपॉन 5 इज 1, 5 एंड 5 विल बी कैंसल एंड दे विल गिव द रिजल्ट 1. माइनस 12 अपॉन 6, यहां पर आप इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास बचा माइनस 2. फाइन, सो 1 प्लस माइनस इज माइनस एंड देन 2, सो फाइनल योर आंसर इज माइनस 1. This is positive 1, this is negative, means we need to subtract this. So 2 minus 1 is 1 and the greater number has a negative sign, so your answer will be minus 1. So, yahan par students humne kya kiya,
अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन इजी बनाने के लिए एलसीएम सेम जो थे उन टर्म्स को कलेक्ट कर लिया और उनको एक ब्रैकेट में ले लिया, एंड जो दूसरी टर्म्स जिनके एलसीएम सेम थे या डिफरेंट थे उनको अलग कलेक्ट कर लिया, एंड हमने उसको सॉल्व किया और देखिए कितना इजी सॉल्यूशन हो गया। आप चाहते हैं तो इसका पूरा एक कॉमन एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते थे, बट इट वुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, नाउ सेकेंड इज, सेकेंड क्वेश्चन इज 5/3 प्लस 11/2 प्लस -9/4 -8/3 प्लस -7/2। नाउ इट इज क्वाइट लेंथी क्वेश्चन, सो अगेन वी नीड टू चेक इट कि कहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अगर हमें सेम डिनोमिनेटर मिल जाएंगे तो हम उनको क्या करेंगे, कलेक्ट करके एक टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, सो हेयर इट इज 3, इट इज 3, तो हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स को साथ में लिखेंगे, प्लस -8/3, ये दो टर्म हो गई। नाउ 11/2 प्लस this is also 2, this is also 2, so -7/2, right, and third is denominator 4, so we'll keep separately, right। अब देखिए यहां पर LCM क्या होगा, 3, because same denominator है। देखिए कितना easy हो जाएगा, आप चाहें तो LCM लेने के पहले bracket open कर दें, so it would be more easy, otherwise आप directly भी ले सकते हैं। यहां पर देखिए 5/3 प्लस माइनस इज -8/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां भी पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट साइन अगर दो एक साथ हैं तो हमें केयरफुली उनको ट्रीट करना चाहिए, इसलिए मैंने पहले साइन ओपन कर दिया। ठीक है, ये आ गया, एंड थर्ड इज प्लस माइनस माइनस 9/4। नाउ योर टर्म इज क्वाइट इजी। नाउ देखिए 5 - 8, सो इट विल गिव यू रिजल्ट -3/3। सिमिलरली 11 - 7 मीन्स इट इज 4/2, राइट, एंड थर्ड वन इज -9/4। यहां पर हम ध्यान से देखेंगे, 3 and 3 विल कैंसल, बट इट विल गिव यू -1 बिकॉज इट इज -3। ठीक है, सो -1, 2 2 जा 4, सो इट विल गिव यू 2, फाइन। नाउ -1 + 2, देखिए यहां पर भी वी कैन सॉल्व इन टू वेज, यू कैन पुट 1 इन द डिनोमिनेटर एंड टेक एलसीएम, और पहले हम इन दोनों टर्म्स को ही सॉल्व कर लें, -1 + 2 = 1, -9/4, एंड देन हम डिनोमिनेटर में 1 लगा दें। ठीक है, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ वी आर हैविंग वन रैशनल नंबर एंड अनदर इज नॉर्मल नंबर, मींस इट इज नॉट हैविंग डिनोमिनेटर, सो वी कैन पुट 1 इन द डिनोमिनेटर, देयर विल बी नो इफेक्ट, बट उससे क्या होता है, क्वेश्चन में सिमेट्री हो जाती है। हेयर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नाउ हेयर इज ऑल्सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो वो टर्म जो है सॉल्व करने में ईजी हो जाते हैं। नाउ एलसीएम इज 4, so here we will get 1 into 4, and here 9 into 1, 4 - 9/4 means it is -5/4, right, 4 is positive, 9 is negative, so answer is 5, and greater number is having negative sign, 9 जो है greater है, greater number का sign जो है वो minus है, so answer भी हमारा क्या आया, -5/4। सो दिस इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, बट हमने उसको कितना सिंपल वे में किया, हमने लाइक टर्म्स मीन सेम डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को
कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने से क्या हुआ, वो पार्टली सॉल्व हो गई। तो पार्टली सॉल्व होने से एक तो क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन थोड़ा कम हो गया, सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा इजी हो गया। स्टिल आई एम सेइंग व्हेनेवर यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन और दिस काइंड ऑफ लेंथी क्वेश्चन, प्लीज साइन का बहुत ध्यान रखिए, केयरफुली सॉल्व करिए। मैथ्स में एक भी साइन गड़बड़ हो जाने से पूरा की पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाता है। सो आप साइन को बहुत ध्यान से केयरफुली देखिए, फिर आप उसे सॉल्व करिए। सो द नेक्स्ट इज 5/3, आई थिंक इट्स 4, 5/3 प्लस 3/-2 प्लस 7/-3 प्लस 3, राइट। अभी हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये लास्ट वाले जो एग्जाम्पल हमने लिए उनसे थोड़ा डिफरेंट है। हाउ? यस, इट इज हैविंग डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज हैविंग नेगेटिव साइन। अब हमें नेगेटिव टेबल्स तो कोई आती नहीं है, मीन्स डिनोमिनेटर वैसे भी हम नेगेटिव में नहीं रखते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन, हम सबसे पहले इनके साइन पे ध्यान देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन जो है नेगेटिव वो हम अवॉइड करते हैं, राइट। तो हम अभी क्वेश्चन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 5/3, 3/-2 है, और आई कैन राइट -3/2। देखिए आप ध्यान से देखिए, इन दिस टर्म एंड दिस टर्म दे बोथ आर सिमिलर। हाउ? ये भी एक प्रॉपर्टी है, हम अगेन उसको चेक करेंगे। लाइक आई एम हैविंग डिनोमिनेटर -2 एंड आई वॉन्ट टू दिस डिनोमिनेटर टू बी पॉजिटिव, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय -1। इफ आई विल मल्टीप्लाई बाय -1 इन द डिनोमिनेटर, तो आई विल मल्टीप्लाई -1 इन द न्यूमरेटर ऑल्सो, राइट। सो वॉट विल बी द आंसर, 3/-3/2, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। Either you can write this or you can write this. Both have same meaning. But denominator में negative को हम avoid करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका denominator change कर दिया, denominator को हमने positive बना दिया। Similarly, इसे भी हम ऐसा लिख सकते हैं -7/3। Now, last term is only numerator, so we'll put the one in the denominator. अब हमारा question थोड़ा symmetrical लग रहा है। Now I'll open the sign. प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस एंड दिस, राइट। अब इट इज हैविंग 3, इट इज हैविंग 3 इन डिनोमिनेटर, सो वी विल कलेक्ट दिस टू टर्म्स, 5/3 -7/3। सिमिलरली -3/2 प्लस 3/1। नाउ 3 डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो एलसीएम क्या होगा, सेम होगा 3, न्यूमरेटर विल कॉपी। नाउ 2 एंड 1 का जो एलसीएम होगा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इट इज -2/3। नाउ हेयर द एलसीएम इज 2, व्हाट विल गेट, -3 प्लस 1 2 2 मीन्स 3 2 2, राइट। नाउ -2/3 ये क्या होगा, -3 प्लस 6/2, सो विल गेट -2/3, -3 प्लस 6 इज +3/2, राइट। -2/3 प्लस -3 + 6 कितना हुआ, 3, इट विल गिव रिजल्ट 3, सो 3/2। अब ये और कंटिन्यू होगा बिकॉज अगेन वी आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, राइट। तो हमें फिर से इनका एलसीएम लेना होगा एंड द एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज ऑलवेज 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 2 6, तो विल गेट 2 प्लस यहां पर 2 3 6, तो विल गेट 3 × 3 -4 + 9/6, नाउ यू विल गेट द फाइनल आंसर 5/6, -4 + 9 = 5, राइट। तो यहां पर जो क्वेश्चन हुआ 3 स्टेप्स में हुआ, वाई 3 स्टेप्स, बिकॉज एक जगह एलसीएम डिनोमिनेटर सेम था तो वो टर्म हमने कलेक्ट कर ली, बट बाकी डिनोमिनेटर डिफरेंट था,
एंड इसको जब सॉल्व किया देन अगेन वी गेट द डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो इसलिए हमारा ये और लंबा हुआ। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पूरा एक साथ भी एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, एंड ऐसे पार्टली चाहें तो पार्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। क्वेश्चन इज -2/3 + 5/7। सेकेंड पार्ट इज 5/7 + -2/3 मीन्स दे आर इक्वल। ये हमें वेरीफाई करना है। वॉट इज दिस एक्चुअली? दिस इज कम्यूटेटिव मीन्स फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज रिप्लेसिंग विथ ईच अदर। वी नीड टू चेक द आंसर एंड अगर आंसर सेम है तो वी कैन से दैट इट इज वेरीफाइड, राइट? तो हम एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट विल सॉल्व एलएचएस -2/3 + 5/7। वॉट विल डू? विल टेक एलसीएम। आप यहां पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 7 is 21। ये एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। नाउ 3 7 are 21, सो हेयर वी विल गेट -2 × 7। सिमिलरली 7 3 are 21, सो वी विल गेट 5 × 3। नाउ दिस इज -14 + 15/21। इसको हम सॉल्व करेंगे -14 + 15, तो यू विल गेट 1 इन द रिजल्ट। +1 हमें मिलेगा बिकॉज 15 हैज ए पॉजिटिव साइन। ग्रेटर नंबर इज 15 एंड 15 हैज ए पॉजिटिव साइन, तो योर आंसर विल बी +1। बट मैंने आपको जैसे बताया कि प्लस साइन को हम जनरली लिखते नहीं है, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज +1, राइट? सो योर फाइनल आंसर इज 1/21। दिस इज एल एच एस। नाउ विल सॉल्व द आर एच एस। ठीक है, इसका पहले हम इनका साइन चेंज कर देते हैं। 5/7 + -2/3। नाउ वी विल टेक एलसीएम 7 3 are 21। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 7 3 are 21, सो विल गेट 5 × 3 -3 7 are 21, सो विल गेट 2 × 7 5 3 are 15/21। सिंपली 15 - 14 is 1/21 मीन्स वॉट यू आर गेटिंग? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। 1/21 equals to 1/21 means it is verified. आप क्या लिखेंगे? Verified, right? So this was very simple question, but हमें यहाँ पर LHS and RHS दोनों को solve करके check करना पड़ा कि it is verifying or not. Another one is -6/5 + -8/3 एंड -8/3 कम्यूटेटिव है, मीन्स सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट से रिप्लेस कर रहे हैं, बट हमें चेक करके बताना है दे आर फॉलोइंग कम्यूटेटिव और नॉट, मीन्स इट इज वेरीफाइंग और नॉट। अगेन वही हम पार्टली सॉल्व करेंगे। एल एच एस -6/5 + -is -, राइट? द एलसीएम ऑफ 5 and 3 is 15। यहां पर क्या होगा? 6 × 3 - 3 5 are 15, सो विल गेट 8 × 5। नाउ -6 × 3 is 18 - 40/15, सो वी आर हैविंग -18 - 40 इन द न्यूमरेटर। व्हाट दे विल गिव? प्लस करेंगे, है ना? तो कितना हो जाएगा? -58/15। सो दिस इज योर एलएचएस। यहां पर भी हम स्टॉप नहीं होंगे, हम इसको चेक करेंगे कि इट इज सिंप्लीफाइंग और नॉट, बट इन दिस केस इट इज नॉट सिंप्लीफाइंग फर्दर, सो आई हैव स्टॉप्ड हियर, राइट? सो दिस इज आवर एलएचएस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -8/3
plus minus is minus. Right? LCM is 15. 3 5s are 15. So we'll get minus 8 into 5 minus. 5 3s are 15. Fine? It is minus 40. It is 18. Again minus minus is plus, means it is minus 58 upon 15. So what you will see now? LHS equals to RHS, means it is verified. But in these two questions, you can observe and analyze that we are changing the position of fraction. Means jo first term thi, usko hum second se replace kar rahe hain. Second thi, usko hum first se replace kar rahe hain. But there will be no effect in the answer. Means rational number is completely following commutativity. Right? Jabhi to hum A plus B kar rahe hain. या B plus A कर रहे हैं, दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज द रिविजन ऑफ द प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी. नाउ यू डेफिनेटली थिंक दैट मैम इज टेकिंग द क्वेश्चन ऑफ एडिशन ओनली. हमने अभी जितने भी क्वेश्चन लिए ऑल आर एडिशन, मीन्स वी आर एडिंग टू रैशनल नंबर्स इन दोस टू थ्री एग्जाम्पल्स. But what will happen if we are taking minus, means we are subtracting, then also it is following commutative or not? We'll check and we'll observe and then we will conclude that in subtraction commutative is following or not. Right? हम minus के कुछ question लेंगे और जिसके through हम बताएंगे कि rational numbers जो है commutativity subtraction के लिए follow नहीं करते हैं. देखिए छोटा सा example लेंगे. Upon 5 minus 5 upon 4. Here it is subtraction, minus का question है. Commutative says कि आप position को replace करिए, तब भी answer जो है वो same आना चाहिए. So we'll check, इसको हम check करके देखेंगे LHS and RHS equals to आते हैं या नहीं आते हैं. Right? तो हम सबसे पहले LHS लेंगे. 5 and 4 का LCM क्या आएगा? 2 upon 5 minus 5 upon 4. This is our question. The LCM of 5 and 4 is 20. So here we will get 5 4s are 20, means 2 into 4. 4 5s are 20, means we will get 5 into 5. 4 2s are 8, minus 25 upon 20. ठीक है? अभी क्या होगा हमारे पास? कितना subtraction के बाद आएगा? 25 में से गया तो 17 upon It is minus 17 upon 20. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे. अगर आंसर सेम आएगा देन ओनली वी कैन से सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो फॉलोइंग द कम्यूटेटिविटी. राइट? बट यह हमको चेक करने की जरूरत है. आर एच एस 5 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 5. एल सी एम इज 20. 4 5s are 20. 5 4s are 20. Means 25 minus 8 upon 20. 25 minus 8 is 17 upon 20. There is a huge difference between LHS and RHS. LHS mein we are having minus 17 upon 20. And in RHS we are getting 17 upon 20. Means terms ko exchange karne se answer pe effect hua. लाइक सिंपल सा एग्जाम्पल, 2 माइनस 5 है और 5 माइनस 2 है. दिस विल गिव यू आंसर माइनस 3 एंड दिस विल गिव यू आंसर 3 एंड दे विल नेवर इक्वल. माइनस 3 विल बी नेवर एवर इक्वल टू 3. मीन्स एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस बिकॉज सब्ट्रैक्शन जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि टर्म्स चेंज हुई तो साइन का बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया. ठीक है, तो हमने खुद ऑब्जर्व किया क्वेश्चन सॉल्व करके कि रैशनल नंबर्स फॉलोइंग कम्यूटेटिविटी बट फॉर एडिशन ओनली, फॉर नॉट सब्ट्रैक्शन. ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन. ये हुआ हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए. अब हम इसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लीकेशन के लिए भी इमीडिएटली चेक करेंगे कि वेदर इट इज फॉलोइंग कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो
or not.